आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आज पंचायती राज निदेशालय अलीगंज में पदभार संभाला। इस दौरान उन्होंने प्राइम टीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है और बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, अपने विभाग को बेहतर उपलब्धियों तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं। पंचायती राज विभाग ने पिछले वर्षों में, चाहे कोरोना से संबंधित विषय हों या ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए विषय हों, हम लोगों ने चाहे स्वच्छता से विषय से जुड़े विषय हों, पूरे प्रदेश को ODF बनाने में बहुत बड़ा योगदान विभाग ने दिया है। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा को, जो उनकी योजना थी, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया है। बड़ी संख्या में सामुदायिक शौचालय बनाकर ODF की निरंतरता बनाए रखने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और आगे भी चाहे नाली हो, खड़ंजे हों या ऑपरेशन कायाकल्प के तहत कार्य हों या जो भी लाभार्थी परक योजनाएं हैं, उसमें ग्राम सभा के माध्यम से नीचे तक जाती हैं, उसमें बड़ी भूमिका है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हों, चाहे स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय हों, या और भी जो भी परियोजनाएं हैं सरकार की, या स्वच्छ पेयजल की जो योजना है, घर घर नल के द्वारा अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है, 2024 तक उसे पूरा करना है। तो हम सब मिलकर जो सरकार की योजनाएं हैं देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसे पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आज अपना पदभार संभाला है, और आप सर हमें ये बताएं कि किन नीतियों के साथ आने वाले समय में काम किया जाएगा। जो भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं हैं, आम आदमी के विकास के लिए, सरकार की जो इच्छा है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रदेश के बेहतरी के लिए हम लोग काम करेंगे, ये संकल्प हम लोगों का। सर, सफाई कर्मी और मनरेगा भी आपके डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, कैसे इनको काम में लिया जाएगा? नहीं, हमारे यहाँ पंचायती राज विभाग के द्वारा सभी राजस्व गांवों में सफाई कर्मचारी तैनात है, और वो गांव की विधिवत सफाई का कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं, और उसके लिए बेहतर प्रबंधन हम लोगों ने किया है। मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया है कि 100 दिन में अपने कामों का खाका दे, तो क्या उस पर काम हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से अप्रूवल के बाद जैसा होगा आपको बताएंगे। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी। इनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री के जो आदेश है कि 100 दिनों का खाका तैयार करना, उस पर काम करेंगे, साथ ही साथ जो विभाग के काम अधूरे हैं उस पर भी काम किया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री समय पर कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, भाजपा विधायक रामफेरन पांडे और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार उपस्थित रहे। सीएम ने स्कूली बच्चों को मिड डे मील भी परोसा। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से कहा कि वे विद्यालयों को गोद लेकर शिक्षा के प्रचार प्रसार के अभियान के साथ जुड़े। उत्तर प्रदेश जिले की लालगंज तहसील के नायाब नाजिर सुनील कुमार शर्मा की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं 30 मार्च की रात तहसील परिसर पर प्रतापगढ़ SDM ने बुरी तरह पीटा था, जिसके बाद सुनील ने SDM पर पिटाई का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया था। अब सुनील की मृत्यु की जानकारी होने पर संगठन भड़क गई और आज प्रदेश भर में DM ऑफिस से संबंधित कर्मचारी ने शोक सभा का आयोजन किया। साथ ही लखनऊ में DM ऑफिस पर तालाबंदी करते हुए पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और दोषियों को कठोरतम कार्रवाई की मांग को लेकर आज काम का बहिष्कार किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के लालगंज में SDM की पिटाई से तहसील कर्मी की मौत हो गई, जिसको लेकर आज लखनऊ, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जिलाधिकारी कार्यालय के सभी कर्मचारी, चाहे बात की जाए लेखपाल चाहे स्टेनो के, तमाम कर्मचारी आज उनका शोक सभा रखे हैं। साथ ही साथ उन्हें उनके ऊपर जो SDM है उनकी कार्रवाई को लेकर मांग कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारे साथ लखनऊ मिनिस्ट्रियल कमेटी के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। नरेंद्र सिंह जी, सर आप ये बताएं कि किन मुद्दों को लेकर आज ये बैठक रखी गई है, और पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या है पूरा मामला और क्या मांग को लेकर अपने प्रदर्शन?
जैसा कि 30 तारीख को हमारे एक प्रतापगढ़ के नायब नाजिर सुनील शर्मा जी को हमारे वहीं के एसडीएम द्वारा पीट पीट के मार दिया गया, उसी और उसके बाद 3 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। उसी पे हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि हमारे पूरे प्रदेश में सभी तालाबंदी रहेगी, सब तहसीलें बंद रहेंगी। उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ लखनऊ में सभी तहसीलें हमारी सभी 4-5 तहसीलें बंद हैं और कलेक्ट्रेट में भी पूरी तालाबंदी है। उसके बाद हम लोगों ने एक शोक सभा की है, शोक सभा के बाद हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारी 3 मांगें हैं महत्वपूर्ण, पहली मांग है कि जो भी अपराधी है एसडीएम उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको बर्खास्त किया जाए। उसके साथ साथ हमारा जो भी हमारा कर्मचारी इसकी डेथ हुई है उसको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए तथा जो भी उसका आश्रित है उसको तुरंत नौकरी दी जाए। उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और 3 बजे हम लोग एक मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, उसमें ये 3 हमारी मुख्य मांगे रहेंगी और वो भी जिलाधिकारी के माध्यम से दिया जाएगा। उसके बाद जो भी प्रांत निर्णय लेगा और उस इस आश्वासन पर नहीं समाप्त होगा जब तक कि इन 3 बातों पर जो ठोस निर्णय लिया जाएगा तभी हम लोग ये हमारा आंदोलन समाप्त होगा। जी, तो हमारे साथ थे मिनिस्ट्रियल संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 3 सूत्री मांगों को लेकर आज हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। साथ ही साथ हम मुख्यमंत्री की तरफ से उन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और साथ ही साथ उन्हें आर्थिक सहायता की भी मांग करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र स्थित रामलीला मैदान में 51 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया, जहां पर अलग अलग हवन कुंड बनाकर 51 ब्राह्मणों की तरफ ने यज्ञ किया। प्रत्येक कुंड पर कई यजमानों ने हवन में आहुति देकर 51 कुंडीय महायज्ञ का धर्म लाभ उठाया। अचानक मौजूद ब्राह्मण और अन्य लोग उस वक्त हैरान हो गए जब दिल्ली का रहने वाला आमिर नाम का एक युवक इस दौरान आयोजन में पहुंचा और उसने हिंदू धर्म अपना लिया। अब उसने आमिर की जगह अपना नाम अभय रख लिया है, जय श्री राम के नारे लगाए। बिजनौर में जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम से रैली निकाल कर की। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का स्कूल में नामांकन कराने के लिए स्कूली बच्चों की रैली निकाल कर शिक्षा को लेकर जागरूक किया गया। वहीं शिक्षा को बेहतर बनाने में सहयोग करने के लिए शिक्षकों को सम्मानित पत्र देकर उनका सम्मान बढ़ाया गया। बता दें कि स्कूल चलो अभियान की शुरुआत बीजेपी सदर विधायक सूची चौधरी हरी झंडी दिखाकर स्कूली छात्र छात्राओं की रैली को रवाना किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, बीएससी सीडीओ, एसडीएम व शिक्षक मौजूद रहे। ये साहब, आज स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई, क्या कहना है आपका? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज पूरे जनपद में स्कूल चलो अभियान को बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और बड़े सारे शिक्षक, राजियन, प्रधान, माननीय सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित होकर यह सुनिश्चित करने का हम लोग संकल्प ले रहे हैं कोई भी बच्चा जो पढ़ने योग्य जरूर विद्यालय पहुँचे और उनकी सकुशल और अच्छी शिक्षा को सुनिश्चित करें। फरीदाबाद में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बढ़ते दामों से न केवल आम लोग परेशान हैं, बल्कि अब ऑटो चालक भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ऑटो चालकों ने बीके चौक पर प्रदर्शन किया और किराए बढ़ाए जाने की मांग की। इस मौके पर ऑटो चालकों ने पुलिस पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया। ऑटो चालकों पर अब किराए को 2 गुना करना चाहते हैं, जिसके लिए वह प्रशासन से अनुमति मांग रहे हैं। जाम इसलिए जी कर रहे हैं जी, हमारा चक्का जाम इसलिए होएगा कि हमें पहले 40 रुपये सीएनजी थी, पहले हमारी 40 रुपये सीएनजी थी, अब 80 रुपये किलो मिल रही है। तो जब हमारी 80 रुपये किलो सीएनजी मिली, किराया तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा और अभी खबर मिली है कि 5 तारीख को और सीएनजी बढ़ेगी। तो जब किराया तो बढ़ेगी, हमें जेब से तो बढ़ेंगे नहीं कुछ भी। आपको पता है जेब से कोई नहीं बढ़ता, कि हमें अपना घर पालना है, हमें अपना घर चलाना है, किसी को अपनी बी एच ए देखनी है, किसी फैमिली देखनी है, किसी कुछ देख रहा है। अब जी देख लो हमारे गाड़ी के ऑटो खड़े होते हैं रोड पर, कभी किसी हमें निकलनी किस्त नहीं बढ़ी है हमारी। जनाब, कारण ये है कि सबसे पहले तो किराया बढ़ाने के लिए है, फिर दूसरा एक पुलिस वालों ने इतना आतंक मचा रखा है कि जहाँ भी ऑटो लेके खड़े हो जाते हैं 2 मिनट के लिए वहीं डंडे बजाते हैं, नई गाड़ियों के तोड़ तोड़ के ख़राब कर देते हैं, है ना। दूसरा, तीसरा वो है कि हमें सवारी से हम किराया बढ़ाने के लिए बोलते हैं तो सवारी हमसे लड़ने को आती है। इसलिए हम सरकार से यही चाहते हैं कि भाई हमें लिखित रूप में दिया जाए या कैसे भी हो, हमें किराया बढ़ाने के लिए अनुमति दी जाए।
और इस खबर पर अधिक जानकारी लिए संवाददाता मनोज फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ मांग है ऑटो चालकों की वजह से और किस वजह से प्रदर्शन किया जा रहा है? बता दें, सुबह का समय था जहां पर सभी ऑटो यूनियन ने इकट्ठा होकर, बीके चौक है फरीदाबाद में, वहां पर इकट्ठा होकर सभी ऑटो चालकों ने प्रदर्शन किया है। उनकी मांग ये है कि लगातार पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए जो किराया है वो कम ले रहे हैं और उनका किराया बढ़ा जाए, और पर जो आम सवारी हैं वो उन्हें किराया नहीं दे पाते, जिसके चलते आज सभी ऑटो चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। जी जी, अब क्या कुछ जो इनकी मांग है वो पुलिस सुनने को तैयार है और पुलिस का इनकी मांगों पर क्या कुछ कहना है? ऑटो चालकों की तरफ से जाम लगाया गया था, हंगामा कर किया गया था, नारेबाजी इनकी तरफ से की गई थी, पर कहीं ना कहीं जो मेन जो रास्ता है जो बाधित हो रहा था, अब पुलिस ने वहां पर पहुंचकर मुख्य सड़क को खुलवाया है, क्योंकि फरीदाबाद का जो मेन चौक है वो, उस पर इन्होंने जाम लगाया था। उनकी मांग ये थी कि हमारे पैसे बढ़ा दिए जाएं, हमारा किराया बढ़ाया जाए, इस प्रकार की इनकी जो कुछ मांगे थी। जी जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज। बलिया में जिला प्रशासन के खिलाफ पत्रकारों के बगावती तेवर दिखाई दिए। बता दें कि पत्रकारों की गिरफ्तारी के विरोध में बलिया के सैकड़ों पत्रकार सड़क पर उतरे और फर्जी मुकदमे में पत्रकारों की गिरफ्तारी का विरोध किया। पत्रकारों ने काली पट्टी बांध कर नगर भ्रमण किया। वहीं नगर भ्रमण के बाद सभी पत्रकार जिला कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठ गए। वे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। बता दें कि अंग्रेजी पेपर लीक मामले में बलिया के 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई थी। जिला मुख्यालय से लेकर के तहसील मुख्यालय और ग्रामीण अंचल के सभी पत्रकार, वो चाहे प्रिंट मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, डिजिटल मीडिया के हों, चाहे एजेंसियों से जुड़े हों, सभी आज आए और टाउन हॉल के प्रांगण में एकत्रित हुए। वहां से एक जुलूस निकाला गया। जुलूस बलिया शहर के विभिन्न मार्गों का प्रभारण करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में आया है और यहाँ पत्रकारों के द्वारा प्रदर्शन करने का काम किया जा रहा है। मेरा स्पष्ट मत है कि पत्रकारों की जो मांग है, जिला प्रशासन और प्रदेश शासन को तत्काल उस मांग को मान लेनी चाहिए और 3 पत्रकारों को तत्काल रिहा करना चाहिए, और जो भी पत्रकारों, बेकसूर पत्रकारों को, सच को दिखाने वाले पत्रकारों के ऊपर जो दमन की कार्रवाई करने वाले जो भी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। प्रतापगढ़ के बागरा थाना क्षेत्र के भाव ग्राम सभा की गई है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि पुश्तैनी तालाब को दबंगों की ओर से पाटा जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों के घरों से निकलने में काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि परेशानी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब हमारे घरों से निकल रहे पानी अब सड़क पर ही लग रहे हैं और बरसात में ये पानी हमारे घरों में घुस जाएंगे। इसी के साथ ग्रामीणों का आरोप है कि लेखपाल और कानूनगो के मिली भगत से फर्जी दस्तावेज बनवाकर हमारी पट्टे की जमीन पर जो तालाब है उसकी कॉमर्शियल दिखाकर पाटा जा रहा है। सर, क्या कुछ समस्या है आपकी? समस्या यही है सर कि जो है इस बस्ती का जो है पानी इसमें जाता है और सब पुलिया बनी हुई दोनों तरफ और पुलिया बंद हो गई है। बरसात में विडंबना बहुत हो जाएगी क्योंकि हम लोगों का पानी कहाँ जाएगा। और ये जो है कहते हैं कि पट्टा लिए हैं, क्या किसे लिए, क्या लिए, ये हम लोगों को नहीं जानकारी है। कब क्या किसके नाम पट्टा हुआ, किससे बैनामा लिए, ये वो जाने। और यही समस्या है सर, ये बहुत दिन से हम लोग जब से जान रहे हैं तब से ऐसे ही गड्ढा ही था। सर, क्या समस्या है आपकी और क्यों आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? सर, समस्या यहाँ यही तालाब का है। यहाँ पर ये तालाब हम लोग के जन्म के पहले का है, इसको लोग भाट रहे हैं, माटी गिरा रहे हैं, इसको बोलते हैं कि हमारा ये भूमधरी ज़मीन है, जबकि हम लोग कभी नहीं जानते कि भूमधरी ज़मीन थी। तो जो लोग तालाब को भाट रहे हैं वो कौन लोग हैं? ये सब कौन है ये तो सर हमको मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ माटी गिर रही है तालाब में, हम जानते हैं।
फिरोजाबाद में जमीनी रंजिश के चलते चचेरे भाई ने एक किशोर को गोली मारकर घायल कर दिया। गंभीर अवस्था में किशोर को ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां डॉक्टर ने इलाज के बाद उसे आगरा रेफर कर दिया। इस दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। किशोर की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। सर, थाना जसराना का क्या मामला है? थाना जसराना के रावरी गाँव में कल रात 7:30 बजे के लगभग सीओ नामक एक लड़के को उसके पैर पे जाम के पास एक इंजरी आई, जिसको हॉस्पिटल भेजा गया। वहाँ से फिर आगरा के लिए रेफर किया गया। वहाँ पहुँचने के बाद इसकी हॉस्पिटल में जब पहुँचा तो उसकी मृत्यु हो गई। पंचायतनामा पीएम आती कार्रवाई की जा रही है। कुछ संदिग्ध लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। वहीं बिजनौर में कार में सवार होकर परिवार के 4 लोग यूपी से उत्तराखंड हरिद्वार जा रहे थे, तभी इस बीच रास्ते में तेज रफ्तार कार खड़ी मिट्टी की ट्रैक्टर ट्रॉली में जा भिड़ी, जिससे मौके पर ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। कार और ट्रैक्टर ट्रॉली इतनी भयंकर टक्कर थी कि कार के पर खच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रायबरेली लालगंज हाई पर शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दरीबा तिराहे के पास तेज गति से मोटरसाइकिल चला रहा युवक सामने से आ रही पुलिस की गाड़ी से जा टकराया। टक्कर में युवक सड़क पर गिर गया, जिसके बाद उसे गंभीर चोट आई। वहीं पुलिस की गाड़ी में बैठे 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। तीनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं एक पुलिसकर्मी को भी गंभीर चोट आई है, बाकी 2 पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल है। सभी का इलाज जारी है। राजू और राजू पुत्र गंगावराम ग्राम व पोस्ट मटिया घरपुर कसवा रायगढ़ थाना कोतवाली। और इनका नाम क्या जो घायल हुए? राजीव नाम है। पुलिस की गाड़ी से हुई एक्सीडेंट हुआ? बताते तो हैं पुलिस की गाड़ी से। वहाँ पे अभी लगभग 11 बजे 12 बजे के आसपास पुलिस की जिप्सी और एक लड़के में एक्सीडेंट हुआ है बाइक में, जिसमें 3 पुलिस वाले घायल हुए हैं। और जिस लड़के से एक्सीडेंट हुआ है, जिसका नाम राजीव है, 17 साल, वो शायद एग्ज़ाम लेके लौट रहा था, तो दोनों में एक्सीडेंट हुआ, घायल हुए हैं। वहाँ पुलिस वालों में से एक जो ड्राइवर चला रहा था उसको इंजरी हुई है, और 2 लोग उसके सहायक बैठे हुए थे वो भी घायल हुए हैं, जिनको एडमिट कर दिया गया है। खबर उन्नाव से है, जहां ढोल नगाड़ों के साथ नगर वासियों के माथे पर चंदन लगाकर हिंदू जागरण मंच के हिंदू नववर्ष मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों के आसपास बाजारों में व्यापारियों को माथे पर चंदन लगाकर गले में अंगवस्त्र डालकर नववर्ष व चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी गई। बता दें कि विमल द्विवेदी ने कहा है कि 16वीं सदी के पहले पूरी दुनिया अपना नववर्ष इसी विक्रम संवत को मनाती थी। मैं भारतीय नौ संवत्सर 2079 की जनपदवासियों सहित प्रदेशवासियों व भारतवासियों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज इसी क्रम में हिंदू जागरण मंच द्वारा भारतीय नौ संवत्सर का स्वागत ढोल नगाड़ों व शंखनाद के साथ किया गया है, जिसमें कि गांधीनगर तिराहे से लेकर पूरे नगर में व्यापारियों व नगरवासियों के माथे पर चंदन व गले में अंगवस्त्र पहनाकर उनको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की गई हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की ओर ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।